क्या लेना? पीछे रख, पीछे चाकन भी दिखा, बटन दबा, चाकन चाकन वेलकम बैक टू सब इंस्टा चैनल। मैंने मिस्टेक निर्भशा अनदर ब्लैक इज रेडी। दोस्तों आज एक कार रिपेयर करने जा रहा हूँ, ये चलते चलते खुड़ गए, कस्टमर ने रिपेयर के लिए लेके आए हैं। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करके बताता हूँ ज़रूर। दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रॉब्लम आता है, क्या नहीं आता है, उसके बारे में इसका कैसा बरतते हैं वो भी आपको बताऊँगा। इसको आप घर के पास ही रिपेयर कर ले सकते हैं दोस्तों। और एक इसमें बाइक भी आता है ना, इधर देखो दोस्तों बाइक ही आई है, ये बाइक भी मैं रिपेयर ही कर रहा हूँ। ये इसका वीडियो नहीं देखे तो ऊपर लिंक आई बटन में दे दूँगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख लीजिए। और एक वीडियो भी मैं कार पे ही बनाया हूँ, वो तो उसके अंदर चूहे पूरे वायरिंग कट करे थे, उसका वीडियो भी बनाया हूँ, वो भी देख लीजिए आप, वो भी आई बटन में दे दूँगा। देखते रहे दोस्तों इस वीडियो को, वॉच करते रहिए। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखो दोस्तों इसको ऑन करके दिखाता हूँ अब मैं एक बार आपको। ये देखो दोस्तों ऑन करा हूँ, कार ऑन हो चुकी है, इसमें पावर साउंड भी आ रहा है, साउंड का वॉल्यूम बढ़ाने के कम करने के लिए ये हॉर्न आ रहा है ज़रूर, म्यूजिक भी आ रही है। इसको हम बंद कर लेंगे, उसके बाद इसको हम एक्सलेटर दे के देखेंगे। ये देखो दोस्तों एक्सलेटर दे रहा हूँ, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, ये एक्सलेटर दे रहा हूँ। एक्सलेटर में पूरा कंट्रोलिंग और इधर इधर इसको गियर्स है, ये न्यूट्रल में है अब फिलहाल गाड़ी, इसको सामने फ्रंट गियर में डालेंगे। ये देखो दोस्तों फ्रंट गियर में डाल के मैं एक्सलेटर दे रहा हूँ, और तो भी नहीं काम कर रहा है, रिवर्स गियर डाल के देखेंगे हम, रिवर्स गियर डाल के दबा रहा हूँ, अब भी कुछ नहीं काम कर रही है। अब इसमें ये आके कंट्रोलर से देखो दोस्तों इसका क्या प्रॉब्लम है, ये खोल के हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, आपको क्लियरली बताएंगे। देखिए दोस्तों अब इसको हम कैसा खोलते हैं, इसको कैसा रिपेयर करते हैं। इसको खोलने के लिए बस एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और मल्टीमीटर चाहिए इसका सप्लाई चेक करने के लिए। अब इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको, ये इसको ऐसे स्ट्राइट रख के खोलना है, इसको ऐसा स्ट्राइट रख के इसको ऐसा प्रेस करने से उड़ जाता है, इसको ऐसा इसको इंस्टॉल से करना है। आपको ये दिखेगा, इधर ये दिख रहा है, ये आपको ऐसा लॉक होएगा, ये अनलॉक हो जाएगा, इसके लिए इसको ऐसा खोलना चाहिए। इसके बाद हम इसमें ये वायरिंग कट होके हैं, ये चूहे काट करके हैं, इसमें चूहे घुस के काट रहे हैं, और इसको हम वायरिंग चेक कर लेंगे, इसकी वायरिंग चेक कर लेंगे हम एक बार, इसकी वायरिंग वोल्टेज चेक कर लेंगे। इसका वोल्टेज तो दोस्तों पूरी गाड़ी ऑन हो रही है ना, वोल्टेज तो फिलहाल करेक्ट है इसका। दोस्तों हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है, इसके अंदर से वायरिंग ट्रांसिस्टर और इसका ये CDMI है, इसके सप्लाई होता है पूरा को, और इसमें रिमोट कंट्रोल होता है, ये रिमोट कंट्रोल से भी चलती है गाड़ी। इसका रिमोट मेरे को नहीं दिया है कस्टमर ने, वो रिमोट देते तो आपको चेक करके बताऊंगा मैं। अब इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ, मैं ऑन करा हूँ और इसको एक्सलेटर देके देता हूँ, फर्स्ट गियर में रख के दबाता हूँ, ये देखो दोस्तों मूवमेंट कुछ भी नहीं, और सेकंड गियर में दबाता हूँ मूवमेंट कुछ भी नहीं। अब हम इसका ये काट के देखेंगे स्विच के पास सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है बल्कि। अब इसको स्विच काटने के लिए हम इसको ऐसा नीचे से प्रेस करके भी काट सकते हैं, नीचे से ओपन है ना पूरा, इसको ऐसा हम प्रेस करके स्विच बाहर काट ले सकते हैं। ये देखो दोस्तों स्विच आ गया है, इसको हम स्विच को रिमूव कर, ये स्विच का पूरा सेट बाहर आ चुका है। अब स्विच को हम इसमें से रिमूव करके अब स्विच का सर्किट देखेंगे। ये देखो दोस्तों ये डायरेक्ट कर दिया है, और उसके बाद इसका सर्किट है, इसके सर्किट में हम वायरिंग रख के चेक करेंगे सप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है बल्कि। अब इसका सप्लाई को चेक करने के लिए हम एक वायर न्यूट्रल में रख देंगे। ये देखो दोस्तों 3.8 वोल्ट्स आ रहा है सप्लाई, इसको परफेक्टली आ रहा है, इसका परफेक्टली आ रहा है। और एक बार इसको डीप साउंड में मल्टीमीटर रख के हम स्विच चेक कर लेंगे, स्विच काम आ रहा है नहीं काम आ रहा है बल्कि। अब मैं मल्टीमीटर डीप साउंड में रखा हूँ। दोस्तों इस पेन कैसा रखते हैं आप, इसका मल्टीमीटर का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक रख दूंगा मल्टीमीटर को, ये पेन कैसा सेट करा हूँ वो आप वीडियो देख के आप भी बना ले सकते हैं मल्टीमीटर को पेन से, मामूल से वो पेन नहीं तो वो नॉर्मल के ये इंजेक्ट नहीं होता है उसके लिए। दोस्तों इसको दूसरा स्विच डाल रहा हूँ मैं, ये स्विच डाल के इसको चेक करेंगे हम एक बार, ये स्विच इंस्टॉल करके चेक करेंगे इसको। ये देखो दोस्तों इसका नया स्विच ये काम कर रहा है, इसमें ये मोड ऑन में रहना चाहिए।
क्या लेना पीछे रख पीछे चाकांग भी दिखा बटन दबा चाकांग चाकांग